हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के फैलते ही जहां एक ओर जिला प्रशासन तथा सरकार के हाथ खड़े हो चुके हैं, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवादी कांग्रेस हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र सिंह डोगरा लोगों के लिए कोरोना से बचाव के लिए उम्मीद की किरण बने हुए हैं। इस महामारी के दौर में हिमाचल के मंत्री या हिमाचल का छोकरा या हिमाचल का कोई नेता नहीं, बल्कि हिमाचल का बेटा रविंद्र सिंह डोगरा लोगों के लिए संजीवनी बनकर आए हैं। यही कारण है कि उनके चर्चे दूर दूर तक हैं। और इस बार जिला हमीरपुर के इस कोरोना योद्धा को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी के लोगों ने याद किया, तो रविंद्र सिंह डोगरा मंडी जिले के नलियाना गाँव में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया। मंडी जिले की धर्मपुर विधानसभा के तनियार पंचायत में आए हैं और यहाँ पे नलियाना गांव के अंदर 5 पॉजिटिव केस आए थे, जिसके बाद गांव के कुछ शिक्षकों ने और आम जनता ने हमें फ़ोन करके आग्रह किया था कि सैनिटाइजेशन के लिए गांव में आया जाए, तो आज हमने पूरे गांव को सैनिटाइज किया है। इससे पहले भी पिछले साल इसी पंचायत के यूण गलू के अंदर 20 केस आए थे, तब भी हमने यहाँ पर सैनिटाइज़ किया था। उस टाइम ग्राम पंचायत प्रभास जी ने हमें बुलाया था और आज आम जनता ने हमें बुलाया है। मैंने पिछले भी कई बार अपने सैनिटाइजेशन अभियान के दौरान सभी लोगों से आग्रह किया है कि कोरोना से बचाव में सिर्फ डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन का ही महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि ये जो म्यूटेंट है, ये म्यूटेंट हर आदमी के शरीर में जाने के बाद अलग अलग प्रभाव डालता है। इस वजह से इस म्यूटेंट की कोई रोकथाम नहीं है, ना इसकी कोई दवाई नहीं है। तो कोरोना का जो आपको वैक्सीन लग रही है वो भी एक बचाव का उपाय है, लेकिन उससे संपूर्ण बचाव हो सकेगा ऐसा नहीं है। और दूसरा, आप सब लोगों को मालूम है कि जैसे कि मैं नलियाना पंचायत नलियाना गांव में खड़ा हूं, तो यहां तक भी प्रशासन की रीच नहीं है, ना कोई नेता, ना कोई जिला परिषद, ना कोई सांसद ऐसी जगह पे लोगों के बचाव के लिए हाजिर होने वाला नहीं है। तो लोगों से मेरी बार बार यही अपील है कि अपना बचाव स्वयं करें और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि का पालन जरूर करें। उज्ज्वल हिमाचल के लिए मंडी से ब्यूरो बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।